हाँ हो सकता है ये कुत्तों के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहा हो या चोर पुलिस का खेल खेल रहा हो, क्यों? हाँ वही वही तो मैं पकड़म पकड़ाई तो खेल रहा था, वो कुत्ते आ गए भाग रहे थे, मैं पीछे पीछे भाग रहा था। झूठ बोलता ही है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, कुत्तों को डंडे से मार रहा था और वो बचाओ बचाओ भौंक रहे थे। अच्छा, अरे आपको कैसे पता कि वो बचाओ बचाओ भौंक रहे थे? हो सकता है वो पकड़ो पकड़ो भौंक रहे हो। 10 साल से एनिमल राइट की कार्यकर्ता रह चुकी हूँ, कुत्तों के क्या घोड़े गधे बिल्ली सबकी भाषा समझती हूँ, ये कुत्तों को डंडे से मार रहा था और वो बचाओ बचाओ भौंक रहे थे। ये झूठ बोल रही है पांडे जी, मैं कुत्ते को क्यों मारूंगा, कुत्ता तो आपको पता है बहुत ही वफादार और पालतू जानवर होता है। ये डंडा आपका है? इसको डंडा कहते हैं, मैंने तो कभी देखा नहीं। वापस झूठ बोल रहा है, डंडे पे इनकी उंगलियों के निशान होंगे, देखो। क्या? यही तो पांडे जी, कुत्तों को इस तरह से मार रहा था कि जैसे कोई दुश्मनी हो। ये तो अच्छा हुआ कि मैं सब्जी लाने गई थी तो मैंने देख लिया, वरना ये तो कुत्तों को भजिया बना देता। भाई बंद कर दो इसे। नहीं 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 पांडे जी, देखिए मैंने कुछ किया नहीं है, मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ भाई। देखिए ये कार्रवाई तो होगी, एनिमल राइट वालों की कंप्लेंट आई है तो राइट तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा, वरना हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। देखिए पांडे जी, ऐसे कैसे कर सकते हैं आप मेरे साथ? प्लीज नो। देखिए उषा जी, आप इनको शुक्ला जी के पास ले जाइए कंप्लेंट के लिए। क्यों पांडे जी, कुत्तों की कंप्लेंट आप नहीं लिखते? नहीं, गधे और घोड़ों की कंप्लेंट लिखते हैं हम। अच्छा, आदमी की कंप्लेंट कौन लिखता है? कोई नहीं। चलो शुक्ला जी के पास चलो। मैडम मेरी बात तो सुनिए आप एक सेकंड के लिए प्लीज। चलो चलो तो ये आदमी कुत्ते को मारा? नहीं। आप जब दो कुत्ते बात कर रहे हैं तो बीच में बोलने का नहीं? अच्छा ठीक है बोलिए। यही तो, ये तो अच्छा हुआ शुक्ला जी कि मैं सब्जी लाने गई थी तो मैंने देखा, वरना ये कुत्तों को मार मार के भजिया बना देता। बहुत अच्छा किया मैडम जो आप इसको यहाँ लेके आ गए। अरे आजकल कुत्तों पर क्या अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। कल मैंने अखबार में पढ़ा भाई साहब कि एक आदमी ने तेजाब फेंक के कुत्ते पर मारा। बचपन में सुनते आते थे कि प्रेमी ने प्रेम का तेजाब मारा, लड़की मना कर रही तो लड़के ने तेजाब मारा। अब बताइए कुत्तों ने क्या गलती की है मैडम, उस पर क्यों लोगों को मतलब क्यों? आप रात को बाहर निकल के देखिए, पता चलेगा आपको कुत्तों ने क्या गलती की है। आप रात में बाहर क्यों निकलते? बाय द वे आपका धंधा क्या, कहीं चोरी वोरी तो नहीं? नहीं नहीं, मैं चप्पल फैक्ट्री में काम करता हूँ तो नाइट ड्यूटी होती है मेरी। अरे फिर कुत्तों की नाइट क्यों खराब कर दे तुम? शुक्ला जी रिपोर्ट लिखे, मैं सब्जी लेके अभी आती हूँ। हाँ, नाम बोलो भाई। देखिए नाम बोलो आप। मुसद्दीलाल पिल्ले। तुम्हें शर्म वर्मा की नहीं? क्यों क्या हो गया? तुम पिल्ले हो? हाँ। अरे वो कुत्तों को मारते हो क्या? अरे यार कुत्ते जो हैं सीनियर होते हैं और तुम जूनियर को सीनियर को मारते हो। अरे भैया हमारा खुद मन करता है कि पांडे को 4 थप्पड़ लगाए पलट करके, लेकिन वो हेड कांस्टेबल हम नहीं मार पाते और तुम कुत्ते को मारते हो पिल्ले होकर के। दीदी मैं वो कुत्ते वाला पिल्ला नहीं हूँ, सरनेम है मेरा पिल्ले ही, मैं कुत्ते वाला पिल्ला नहीं हूँ। तुम पिल्ले नहीं हो? नहीं नहीं, मैं तो इंसान हूँ। अरे तब तो और गलती, इंसान होकर कुत्ते को मारते हो। देखिए शुक्ला जी, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, मैं कभी जेल वेल नहीं गया हूँ। अब जाओगे? ऐसा मत कीजिए आप प्लीज। देखिए ना, पता बोलो। क्या पता? पता बताओ। क्या पता? अरे अटा पटा है कुछ? नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता बाय गॉड। अरे पोस्टल एड्रेस वाला पटा पटा है? हाँ वो पता है। क्या पता? 21 धोबी मोहल्ला घोड़े वाली गली। घोड़े वाली गली कहाँ? वो कुत्ते वाली गली गली के बगल में। वो फैक्ट्री के पीछे। उम्र क्या है? देखिए शुक्ला जी, उम्र क्या है? 45 बरस है। देखिए छोड़ दीजिए मुझे। अरे कैसे छोड़ दें? अरे इंसान होकर के कुत्ते को मारते हो? अब गलती हो गई ना मुझसे? मानते हो ना गलती हो गई? हाँ हो गई गलती। देखो सच सच बता दो, वरना इस डंडे का भी फिंगरप्रिंट करा करके तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। डंडे का फिंगरप्रिंट करा रहे हैं? और कुत्ते का डीएनए टेस्ट करा देंगे, तभी तुम्हारा दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाएगा। डीएनए टेस्ट क्यों कराएंगे आप? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है बेटा, तुम तो गए 2-3 दिन के अंदर। देखिए शुक्ला जी, मैं आपको सारी बात सच सच बता देता हूँ। बोलो। बात यह है कि मैं नाइट ड्यूटी करके फैक्ट्री से घर वापस आ रहा था, तो हमारे मोहल्ले में बहुत सारे कुत्ते हैं, तो रोज की तरह कुत्तों ने मुझे दौड़ाया, मेरी बीवी ने मुझे उकसाया, मैंने डंडा उठाया और कुत्तों को दौड़ाते दौड़ाते शहर से बाहर छोड़ा। दौड़ाते मारा नहीं, मतलब थोड़ा सा ऐसे करके मारा था। झूठ मत बोलो। अब एक आध बार जोर से मारना पड़ा, दौड़ नहीं रहे थे ना। तो बस जुर्म कर दिए, यहाँ साइन करो। ये क्या है? इकबाल है जुर्म। अरे तो जुर्म इकबाल का, तो इकबाल से साइन कराइए ना, मुझसे क्यों करा रहे हैं? अबे इकबाल अहमद सिद्दीकी, इकबाल का जुर्म नहीं है, ये कन्फेशन है तुम्हारा कि तुमने जुर्म किया, साइन कर दो। नहीं पर मैंने तो कोई जुर्म किया ही नहीं ना। अरे जुर्म किया ना, साइन करो। नहीं नहीं मैंने कोई जुर्म नहीं किया। देखिए शुक्ला जी प्लीज, मेरी बीवी जो है वो माँ बनने वाली है, उसका बच्चा होने वाला है, मुझे जाने दीजिए प्लीज। तुम वहाँ जाके क्या करोगे? उसको मेरी जरूरत पड़ेगी ना, उससे ज्यादा मुझे तुम्हारी जरूरत है। बैठो, मामला बदल दे।
बदल देंगे? 10,000 है क्या? हाँ, सब फाड़ फूड के फेंक देंगे। उषा जी के आने के पहले तुम्हें रफा नफा करा देंगे। घर में जाओ, आराम से कुत्ते के पिछवाड़े पर दो लगाओ। मेरी तरफ से भी एक लगाना यार, मुझे भी बहुत दौड़ाते हैं। मगर शुक्ला जी, 10,000 रुपए कहाँ से दूंगा, मेरे पास तो है ही नहीं। बैंक लूटो, अपहरण करो, डकैती डालो, कहो तो हेल्प कर दे। देखिए शुक्ला जी, मैं तो चप्पल फैक्ट्री में मामूली सा सुपरवाइजर हूँ, 4,000 रुपए मेरी तनख्वाह, मैं 10,000 रुपए कहाँ से दे दूंगा? अब सोच लो यार, अगर उषा जी आ गई तो तुम्हारी तो मतलब समझ लो कि नहीं। शुक्ला जी, हो गई रिपोर्ट? तुम तो गए 12 के भाव में। जी मैडम, रिपोर्ट तैयार है, बस ये साइन कर दीजिए जरा। ये तो अभी कर देती हूं। एक सेकंड, साइन नहीं करने दूंगा मैं। हाथ छोड़ो। हाथ नहीं छोड़ूंगा। हाथ छोड़ो। हाथ नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो ना यार। नहीं छोड़ूंगा, नहीं तो साइन कर देंगे ये फिर यार। छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। ए शुक्ला जी, क्या हो रहा है भाई? सर ये बहुत बड़ा कुत्ता क्रिमिनल पकड़ा है सर। नहीं, मैं तो सुपरवाइजर हूँ सर। यही तो, पर सर इसने कुत्ते को मारा, अंदर कर दीजिए इसे। सुनिए भाटिया साहब, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, आप मेरी पूरी कहानी सुन लीजिए। अगर आपको लगता है मुझे सजा मिलनी चाहिए तो जरूर दीजिए। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आप बड़े अच्छे इंसान है। शुक्ला, इन्हें हमारे कमरे में लेके आओ। जी सर, चलिए सर। थैंक यू सर। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? सब्जी खरीद के ले तो घर जाके पकाओ ना यार। अरे तुम भी कहां औरतों को मुंह लगने लगते। चलो चलो। आ जाए। आ जा, आ जा, आ और जा। जी? अरे इसे लेके आ, और तू बाहर से 2 प्लेट समोसे 2 कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए जा। आजकल मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता हूँ भाटिया साहब, क्योंकि आपको पता है ना उसके अंदर पता नहीं आजकल क्या क्या होता है। तुझे नहीं पिला रहा हूँ भाई, मैं अपने लिए मंगा रहा हूँ, तू जा। हाँ तू बता। मैंने तो कुछ किया ही नहीं है भाटिया साहब। अच्छा, उषा जी बोल रही थी कि तुमने कुत्ते को मारा था। देखिए मैं सारी बात आपको सच सच बता देता हूँ। बात यह है कि मैं वो जो घोड़े वाली गली है ना, उसमें रहता हूँ, जो कुत्ते वाली गली के बगल में है, उसके पीछे ही प्लास्टिक फैक्ट्री है, उसमें मैं रात को नाइट ड्यूटी करता हूँ। रात में नाइट ड्यूटी करते हो? नाइट ड्यूटी तो रात ही में होती है ना, दिन में तो हो नहीं सकती ना। तो मैं रात को जब लौटता हूँ तो कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाते हैं, मतलब भागता हूँ तो पीछे मेरे दौड़ने लगते हैं। पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहे हैं मुझसे। कल तो हद ही होगी, एक कुत्ता इधर से भौंका, एक कुत्ता उधर से भौंका, अब बाकी के सारे कुत्ते पता नहीं कहाँ कहाँ से भौंकने लगे। तो मैं तो डर गया, मैं भागा तो सारे के सारे मेरे पीछे दौड़ पड़े। एक ने तो लपक के मेरी टांग पकड़ ली। ये तो आप गनीमत समझिए कि कल रात को मैं पतलून पहने हुए था। ओहो, सिर्फ कल रात को ही पहने हुए थे? हाँ, नहीं मतलब पतलून तो मैं रोज ही पहनता हूँ, लेकिन उस पतलून की वजह से दांत जो थे वो पतलून में ही लगे, मेरी टांग में नहीं लगे। हांपते हांपते घर पहुंचा। कुत्ता? कुत्ता तो अपने घर चला गया। तो मुझे मारने के लिए उसके घर तक पहुंच गए? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। मैं घर पहुंचा तो मेरी बीवी ने कहा कि कुत्ते तुम्हें रोज दौड़ाते हैं, तो मैंने डंडा उठाया और कुत्तों को दौड़ाने के लिए घर से बाहर निकला। उनको दौड़ाते दौड़ाते सुबह हो गई और उषा जी ने मुझे पकड़ लिया। लेकिन तुमने कुत्ते को मारा भी होगा? नहीं, मारा तो नहीं था मैंने। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, वरना मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अब ऐसा भाटिया जी, एक दो बार थोड़ा सा मारा तो था, लेकिन प्यार से मारा था, मतलब इतने प्यार से तो आदमी अपने बच्चे को भी मार लेता है। मतलब तुमने कुत्ते को अपना बच्चा समझ के मारा? बच्चा नहीं, बच्चा समझ के नहीं, समझ के तो कुत्ता ही मारा था मैंने उसे, लेकिन कस के नहीं मारा था सर। झूठ बोल रहा सर। उषा जी ने देखा है, उसने कुत्ते का सर पर मारा, कुत्ते को ब्रेन हेमरेज हो गया था। आप वो बेचारा लीलावती अस्पताल में MRI करवा रहा है। अच्छा? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल। अभी पता चल जाएगा। शुक्ला पटेल को बुलाओ। पकड़ो, आप गश्त पे गए? दस्त पे गए? दस्त पे नहीं गुरुदेव, गश्त पे गए हैं। ओहो, तो फिर जांच कौन करेगा? अबे आप कर लीजिए सर, आप चल के देख लीजिए। मैंने कुत्ते को सर पे नहीं मारा, उसकी टांग में मारा था, आप चल के देख लीजिए। नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता हूँ, ये पटेल साहब का काम है, पटेल साहब ही करेंगे, वो 2 दिन बाद आएंगे, 2 दिन बाद होगा ये काम। तो तब तक मैं क्या करूंगा? यही पर आओ। यहाँ आपके ऑफिस में कैसे रह सकता हूँ मैं सर, यहाँ पे तो कोई चारपाई भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, लॉकअप खुलवा देते हैं, उसमें चल के आराम से रहो ना। नहीं नहीं, अरे ऐसा मत कीजिए भाटी साहब, प्लीज आप चल के देख लीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, प्लीज। मैं नहीं चल सकता हूँ, मैं थाना इंचार्ज हूँ। सर मुझे तो आप साक्षात भगवान दिखाई दे रहे हैं। भाई कौन से भगवान? गणपति महाराज। बस सिर्फ सूंड नहीं है आपके, वरना तो आप साक्षात गणपति महाराज दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे मुझे बख्शो भैया, ऐसे मनाते हैं भगवान को? नहीं, पहले तो वो अगरबत्ती वगैरह करते हैं ना, और फिर उसके बाद लड्डू रखते हैं। धूप और अगरबत्ती का इंतजाम हम कर लेंगे, लड्डू का इंतजाम आप करो। हाँ जी, जरा 1 किलो लड्डू मंगवाओ। 1 किलो भी? मैं तो गणपति जी के सामने 2 लड्डू रखता हूँ। कितने बड़े गणपति हैं? इतने छोटे से हैं, क्यूट से। ये तो बड़े वाले हैं, 200 रुपए दो, नहीं तो खुलवाते हैं लॉकअप। अच्छा, ये लो 200 रुपए। वेरी गुड, 1 मिनट। हाँ पांडे जी, प्लीज कम इन। भाटिया जी, आप सच्चे गणपति? नहीं, गणपति सच्चे पुलिस ऑफिसर हैं। यस सर। आप पांडे जी एक काम करेंगे, आप पटेल साहब का काम कर दीजिए, आप हॉस्पिटल जाइए और चेक कीजिए कि जिस कुत्ते को उन्होंने मारा है उसको कहाँ और कितनी लगी है। ठीक है, चला जाऊंगा, लेकिन डबल ड्यूटी का एक्स्ट्रा लगेगा। हाँ हाँ, वो तो ये देंगे ना। कितना?
आना जाना मिला के 500-600 रुपए। ये 300 रुपए बचे मेरे पास, बाकी तो हम कर लेंगे। आप जाके बाहर बैठिए, पांडे जी जो रिपोर्ट लाएंगे उसके बाद आपका बयान लेंगे। थैंक यू सर। ये तो तूने कितने पकड़े कुत्ता मारने वाले? एक भी नहीं, मैंने तो सुबह सुबह एक पकड़ लिया है। देखना उसे ऐसी सजा दिलवाऊंगी, ऐसी सजा दिलवाऊंगी कि जिंदगी भर कुत्ते के नाम से डरेगा। यही तो। सुन रहे हो गुरु, मैडम फ्रेंड सर्किल में चर्चा कर रही है, तुम्हारा तो पूरा प्रबंध कर देंगी, तुम तो गए। शुक्ला जी कुछ करो ना, आप मर्द हो ना? मैं हूँ। हाँ हूँ। हाँ, मर्द हो तो मर्द का दर्द समझोगे ना, तो इस औरत से मुझे बचा लो, वो कुत्ते वाला केस मुझ पे मत लगाओ। अरे क्या कर रहे हो यार, उस समय बोले 10,000 देते तो दिए नहीं। तो कहाँ से देते, 10,000 रुपये गरीब आदमी हूँ, मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास आदमी हो तो कुत्ता मारने का शौक क्या रखते हो? एक चीज जान जाओ, कुत्ता मारना और कुत्ता पालना सब अमीरों के शौक है। अरे क्या, हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें मारने की क्या जरूरत थी? तुम बलात्कार करके आओ, 2 मिनट में सलटा देंगे। मैं बलात्कार क्यों करूँगा? मत करो। मैं तो क्या करूँ? उषा जी को पटाओ। पटेगी? अरे हम तो कई सालों से पटा रहे हैं, पटती ही नहीं। देखो तुम ट्राई करो। ठीक है ट्राई करता हूँ। बेटा मुसद्दी लाल, कुत्ता केस से तो तुम निपट जाओगे, लेकिन ऊसा केस से तुमको कौन निपटाएगा? यही तो। नहीं सब्जी तो है मेरे पास, तू सिर्फ दाल बना ले, ठीक है? हाँ इस कुत्ते वाले को तो सजा दिलवा के आऊंगी मैं। मैडम यही तो, ठीक है ओके। मैडम क्या है? मैडम देखिए, मानता हूँ कि गलती तो मुझसे हो गई है, अब मुझे सजा दिलवा के आपको क्या मिलेगा? हमें कुछ मिले न मिले, कुत्ते को तो जरूर मिलेगा। क्या? इंसाफ। देखिए कुत्ते को इंसाफ दिलाने के चक्कर में आप एक इंसान को साफ कर रही हैं, मुझे साफ ना करें, माफ कर दें। नहीं, छोटा भाई समझ के माफ कर दें। क्या? बड़ा भाई समझ के माफ कर दें। क्या? दे बात समझ के माफ कर दें। कभी नहीं। देखिए ये तो एक इंसान हो के आप एक इंसान के काम नहीं आएंगी तो फिर कैसे होगा? मतलब आज आप मेरे काम आएंगी, कल मैं आपके काम आऊंगा। कल किसने देखा है? तो आज काम आओ। कैसे? बीवी के कभी काम आए हो? हाँ बहुत बार आया हूँ। तो वैसे मेरे काम आ जाओ ना। वैसे आ जाऊँ? मेरा मतलब है मटर छीलो। अच्छा जी, छीलो छीलो, तब तक पांडे जी रिपोर्ट लेके आएंगे। जी सर, ये रही रिपोर्ट। क्या कहती है रिपोर्ट मिस्टर पटेल? पटेल नहीं, इनका नाम तो पांडे जी है। माइंड यू, इस वक्त ये पटेल की ड्यूटी पे हैं। सर रिपोर्ट के मुताबिक कुत्ते को कॉलरा हो गया। कॉलरा? डंडा मारने से? नहीं मतलब डंडा मारने से कुत्ता घबरा गया, कू 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 ऐसा करने लगा, और घबराहट की वजह से उसे कॉलरा हो गया। अरे यार घबराहट से कॉलरा कैसे हो सकता है? नहीं सर हो सकता है, वो कुत्ता है उसे कुछ भी हो सकता है। और दूसरे वाले कुत्ते के पैर में चोट लगी है। वो ही डंडा मारने से? वो तो मैंने ऐसे ही हल्के से धीरे से मारा था। हाँ हम पुलिस वाले भी जो हल्के से धीरे से ही मारते हैं, लेकिन वो जो हल्के से धीरे से है ना वही बड़ा तेज लगता है। अब क्या होगा? अरे केस चलेगा क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स एक्ट के तहत, 6 महीने की कैद, 10,000 रुपए जुर्माना या फिर बोथ। पांडे जी सॉरी पटेल साहब एक्शन लीजिए। देखिए एक सेकंड मेरी बात सुनिए, आप समझने की कोशिश कीजिए भाटिया जी प्लीज। देखिए मैं सुनाता हूँ, आइए आप मेरी बात सुनिए मेरी प्लीज। आइए देखिए काम। बेचारा इतना तो कोई रेप केस में नहीं फंसता जितना ये कुत्ते के केस में फंस गया है। प्लीज पांडे जी। नाउ पांडे कम्स इन पटेल्स ड्यूटी। अच्छा हाँ सॉरी, देखिए पटेल साहब मेरी तो कोई गलती नहीं है, कोई रिपोर्ट ही नहीं है। आप ये बताइए कौन सी सजा पसंद करेंगे, 10,000 रुपए जुर्माना, 6 महीने की कैद या दोनों? मैं दोनों में से कोई भी सजा पसंद नहीं करूंगा पांडे जी। नहीं सॉरी पटेल साहब, देखिए बात ये, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, वैसे ही रात भर दौड़ता रहा हूँ कुत्तों के पीछे। ओ भाई साहब हमने बोला था। नहीं तो? तो अब आप बोलो क्या कौन सी सजा पसंद करेंगे? कोई नहीं तो नई सजा बना देते हैं आपके लिए। अच्छा 10,000 रुपए लगेंगे? नहीं अभी आपने कहा ना नई सजा बना देंगे, फिर आप 10,000 रुपए मांग रहे हैं। अरे ये 10,000 रुपए सजा के लिए नहीं, सजा से बचने के लिए है। अरे मेरे पास 10,000 रुपए होते तो मैं जुर्माना ना भर देता। ओ बात में दम तो पॉइंट तो, एक काम करिए आप 9,000 रुपए दीजिए। 9,000 कहाँ से दूंगा? 8,000 दे दीजिए। 8,000 कहाँ से दूंगा? पौने 8 दे दो। पौने 8 कहाँ से दूंगा? तो 7 दे दो। 7 कहाँ से दूंगा? 6 दे दो। 6 कहाँ से दूंगा? तो आप ही बताइए कितना देंगे। कितना कहाँ से दूंगा? देखो 5,000 से 1 रुपया कम नहीं लगेगा। मैं तो 1 पैसा भी नहीं दे सकता। देखो मुसद्दी लाल 5,000 रुपए दे दो, वरना 2 बातें हो जाएंगी, या तो हम रिपोर्ट बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। नहीं बदलेंगे ऐसा होगा नहीं, बदली तो 2 बातें हो जाएंगी, या तो आप पे केस चलेगा या नहीं चलेगा। नहीं चलने का सवाल ही नहीं होता, केस चला तो 2 बातें होंगी, या तो आप कोर्ट के चक्कर लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। नहीं लगाने का सवाल ही नहीं होता, लगाई तो 2 बातें होंगी, या तो आप दिन में चक्कर लगाएंगे या रात में चक्कर लगाएंगे। दिन में चक्कर लगाया तो भी ठीक है, रात में चक्कर लगाएंगे तो 2